हो गया। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्या। स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। गाइस व्हाट्स अप, आर यू ऑल एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू? देन लेट द गेम बिगिन। सो कल अपन लोग ने किक स्टार्ट किया था सेशन का, जहां पे अपन लोग ने कॉस्ट शीट के बारे में एक ओवरव्यू लिया। चलो आओ अब आज उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड मोर थिंग्स इन डिटेल। ऑलराइट गाइस, चलो। सो यस, सो कॉस्ट शीट क्यों बनाना पड़ता है अपन लोग ने? कल ही अपन लोग ने सीखा अपने पेरेंट्स से दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपन कॉस्ट को बराबर से रिकॉर्ड करें। सो उन्होंने अपने को कल क्या सिखाया कि देखो बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर, क्या तीन चीज सिखाई अपने को बताओ मेरे को फटाफट मैसेज करके। सो यस, एक उन्होंने बताया कि देख बेटा जो भी खर्चा कर रहा है ना उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर बराबर, उसके बाद क्लासिफाई भी कर ताकि पता तो हो कौन सा खर्चा कहाँ पे हो रहा है। और तीसरी बात उन्होंने बोला कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट किया कर, प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट किया कर। जब ये प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है ना, ये बन जाता है कॉस्ट शीट। अभी तक तो ये खाली कॉस्ट था, बट एक फॉर्मेट, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में जब आता है इट बिकम्स अ कॉस्ट शीट। ऑलराइट गाइस, चलो अब दूसरा चीज वो लोग ने देखो क्या बोला है? दूसरा चीज वो लोग ने बोला है क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में क्लासिफाई करना है, किसको? कॉस्ट को। क्या है वो दो पार्ट? एक है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट अपना बात हो गया था, इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, डिपेंडेंट ऑन आउटपुट, बराबर याद है कि नहीं सब लोगों को? सो आज चलो मैं इसको और अच्छे लेवल पे लेके जाता हूं। जय, तूने लेक्चर देखा कल का बेटा? चलो, सो यहां पे मैं तुम लोगों को बता रहा था कि कॉस्ट को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन। सो ये अपनी बात हो गई थी कल ही, डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, और इससे रिलेटेड अपन लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए थे, राइट? रॉ मटेरियल इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी गेव हियर। एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट था नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, मतलब वो अगर एक बार खर्चा हो गया फिर प्रोडक्शन से उसका लेना देना नहीं है, जैसे अपना रेंट। सो नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन। अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अब इसको और आगे लेके जाता हूं, इसको और रीक्लासिफाई करने को बोला है एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है? नाउ हाउ इज दिस गोइंग टू बी रीक्लासिफाइड, ध्यान से सुनना। सो डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी अब और तीन बाइफरकेशन होने वाला है, वन रिलेटिंग टू द मटीरियल, जैसे डायरेक्ट मटीरियल है, डायरेक्ट लेबर है एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब यही तीन का बाइफरकेशन इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी है। जी हां, इसका मतलब मेरे पास है डायरेक्ट मटेरियल, मेरे पास है डायरेक्ट लेबर और मेरे पास है डायरेक्ट एक्सपेंस। इन द सेम वे मेरे पास है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब ये मटेरियल में क्या होता है सर? सर डायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा? सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा? सब बताने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पे, आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। सो सबसे पहले अपने को क्या करना है? कॉस्ट को बाइफरकेट करना है, किस में? डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या वो अपने को करने को आता है? यस सर। तो सर अगर डिपेंडेंट है प्रोडक्शन पे तो अपन उसको डायरेक्ट बोल देंगे सर, अगर नहीं है डिपेंडेंट प्रोडक्शन पे तो अपन उसको इनडायरेक्ट बोल देंगे सर। वेरी गुड। अब इसको मैं फर्दर सब डिवाइड करता हूं, क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है, क्या ये डायरेक्ट लेबर है, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, या फिर अगर वो इनडायरेक्ट हुआ तो क्या वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सो इन शॉर्ट डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री बाइफरकेशंस। एंड क्या है वो बाइफरकेशंस? अगर मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है देन इन दैट केस या तो वो डायरेक्ट मटेरियल होगा या तो वो डायरेक्ट लेबर होगा
या तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, राइट। एंड फ्लिप साइड पे और क्या हो सकता है मेरा सामने, अगर वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो, अगर वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो क्या हो सकता है, या तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, या तो वो इनडायरेक्ट लेबर होगा, या वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ओके गाइस, ओके सर, इसका बाइफरकेशन सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है सब बताऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। हाँ, राइट, डन। अब खाली एक आइडिया दे रहा हूं मैं तुम लोग को, तुम लोग को लिखना है उधर, लिख दो कहीं पे कि ये जो कॉस्ट है ना डायरेक्ट मटेरियल के, तीनों डायरेक्ट कॉस्ट के, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मेरे प्राइमरी कॉस्ट है। भाई मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरा ये कैलकुलेटर डायरेक्ट मटेरियल जो मेरा ये इधर प्लास्टिक है उसके बिना बन सकता है क्या? द आंसर इज नो। ये मेरा जो शर्ट, शर्ट में डायरेक्ट मटेरियल क्या लग रहा है, कैन आई से कॉटन? भाई जितना शर्ट बनेगा उतना कॉटन यूज होगा, तो क्या ये कॉटन के बिना ये शर्ट बन सकता है? द आंसर इज नो। क्या ये पानी में, ये जो स्टील है, क्या ये पानी के बॉटल का, पानी का बॉटल स्टील के बिना बन सकता है? द आंसर इज नो। तुम लोग अगर नोट करोगे ना, तो ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के बिना कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। इसको नाम दिया है प्राइमरी कॉस्ट, जिसको प्यार से बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, जिसको प्यार से बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। समझ में आया तुम लोगों को गाइस? सो ये है मेरा प्राइमरी कॉस्ट, राइट। तो प्राइमरी कॉस्ट को प्यार से नाम क्या दिया है बेटा, इसको प्यार से नाम दिया है प्राइम कॉस्ट। और दूसरा, दूसरा क्या है सामने मेरा प्राइमरी कॉस्ट के सामने, इट इज सेकेंडरी कॉस्ट। इसको प्यार से क्या बोलते हैं, इसको प्यार से बोलते हैं ओवरहेड्स, इसको प्यार से बोलते हैं ओवर हेड्स। ए समझ गए एवरीबॉडी, फटाफट ये लिख लो। अब इसको एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करते जाऊंगा, बट एटलीस्ट एक बेसिक बाइफरकेशन अपने को समझ में आ गया। राइट गाइस, ओके। अब जब ये तुम लोग लिख लो ना, तो एक बार डन कर देने का, डन लिख देने का, तो मुझे समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये लोग का लिख के हो गया है ना। चलो आ जाओ, ग्रेट। अब एक एग्जाम्पल लेंगे अपन, कोई भी एग्जाम्पल ले लो तुम लोग को जो मन में आए, और उसमें अपन बाइफरकेट कर देंगे ये सारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। कोई भी दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, आ जाओ अपन। सो वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मोबाइल फोन, एक सेकंड अर्चित, अर्चित तू लेक्चर बैठा था ना भाई कल, कल का देख लिया ना तूने? हाँ अच्छा, अब अपन लोग क्या करेंगे, कोई भी एक दो दो एग्जाम्पल ले लेंगे। एक अपन लोग एग्जाम्पल लेंगे मोबाइल फोन का, और एक चाहिए तो ये शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसा सोचो कि ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? तो अभी अपन ने जो भी यहाँ पे लिखी है चीजें, उसको बाइफरकेट करना चालू करते हैं। तो ये डायरेक्ट मटेरियल के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल क्या क्या होगा? कल भी अपन लोग ने लिया था एग्जाम्पल, कैन आई से इस मोबाइल फोन का बैटरी, बराबर है, कैन आई से इस मोबाइल फोन का स्क्रीन, राइट, कैन आई से इस मोबाइल फोन का जो एक्सटर्नल कवर है, ये सारी चीजें डायरेक्ट मटेरियल में चली जाएगी। ठीक है सर, समझ में आ गया, ये तो एकदम सिंपल है डायरेक्ट मटेरियल। तो अभी आइडिया आ गया है अपने को, ये कैलकुलेटर में जो प्लास्टिक यूज हुआ है, बॉटल में जो स्टील यूज हुआ है, ये सारी चीजें आ जाती है मेरे मोबाइल फोन के डायरेक्ट मटेरियल में। फिर बाद में आता है डायरेक्ट लेबर, फिर बाद में आता है डायरेक्ट लेबर। अब सुनना, एक होता है जो, एक लेबरर होता है जो फैक्ट्री के अंदर मशीन के ऊपर खड़ा रह के वो प्रोडक्ट बना रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, ठीक है। एक होता है सुपरवाइजर आदमी, जो भाई जितने भी लेबरर्स काम कर रहे हैं उनको देख के सुपरवाइज कर रहे हैं, हाँ भाई बराबर चल रहा है कि नहीं काम, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर, समझे ना। तो सुपरवाइजर का काम है ओवरऑल देखना काम बराबर चल रहा है कि नहीं,
डायरेक्ट लेबर का काम है एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाना, एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाना। तो डायरेक्ट लेबरर कहां पे होता है? बेसिकली डायरेक्ट लेबरर आपको मिलेगा इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में मशीन के ऊपर एक्चुअल में जो काम कर रहा है ना, विजुअलाइज कर पा रहे हो? एक्चुअल में जो ये मोबाइल बनाने के लिए मशीन के ऊपर खड़ा है और काम कर रहा है ना, उसको बोलेंगे बेटा अपन डायरेक्ट लेबर। और उसको जो अपन वेजेस देते हैं ना, दैट विल बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या आप लोगों को समझ में आ गया गाइस? सो वर्कर इन द फैक्ट्री, वर्कर इन द फैक्ट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व इन, एक सेकंड गाइस, आई थिंक मेरा स्क्रीन फट गया, जस्ट अ मोमेंट। यस, वर्कर इन द फैक्ट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ध्यान रखना, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, ये होता है हमारा डायरेक्ट लेबर। एंड फिर थर्ड कौन था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, अब ये मेरे को एक एक्सप्लेनेशन तुम्हारे को देना पड़ेगा मस्त वाला, ठीक है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा, ध्यान से सुनना। अब से फॉर एग्जाम्पल, आपको जब ये मोबाइल बनाना है, तो ये मोबाइल बनाने के लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी बेटा, बराबर है? ठीक है, अब सुनना। एक मोबाइल बनाने के लिए मशीन को प्रोसेस करना पड़ेगा, मशीन प्रोसेस करते जाएगा, टक 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 टक, बराबर। इसके लिए 2 लीटर ऑयल यूज होता है, इसके लिए 2 लीटर ऑयल यूज होता है। अब अगर एक मोबाइल बनाना है, उसके लिए 2 लीटर ऑयल यूज हो रहा है, तो कहना है इसे अगर मेरे को 10 मोबाइल बनाना है तो कितना लीटर ऑयल यूज होगा? कहना इसे 20 लीटर ऑयल यूज होगा, बराबर है? तो सबसे पहले तो अपन लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक डायरेक्ट कॉस्ट है। सबसे पहले तो अपन लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक डायरेक्ट कॉस्ट है। अब डायरेक्ट लेबर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई लेबर तो इन्वॉल्व नहीं है। या तो हो सकता है डायरेक्ट मटीरियल हो, या तो हो सकता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस हो। डायरेक्ट मटीरियल का एक पिक्युलैरिटी है। डायरेक्ट मटेरियल का क्या पिक्युलैरिटी है पता है? कि दैट इज आइडेंटिफाइबल ऑन द टोटल प्रोडक्ट, दिखता है वो आपको प्रोडक्ट के ऊपर। सो ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, ये आइडेंटिफाइबल है, टेंजिबल है, दिखेगा आपको प्रोडक्ट के ऊपर। आइडेंटिफाइबल है, टेंजिबल है, प्रोडक्ट के ऊपर दिखेगा। क्या आपको इस कैलकुलेटर में प्लास्टिक दिख रहा है? क्या आपको इस मोबाइल में स्क्रीन, बैटरी सब दिख रहा है? अब आप बोलोगे सर बैटरी तो अंदर है। अरे अंदर है, बट ऐसे खोलेंगे तो बैटरी दिखेगा तो सही ना। क्या इस शर्ट में आपको कॉटन दिख रहा है? यस सर। तो ये सब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। बट क्या आपको इस मोबाइल के लिए जो 2 लीटर ऑयल यूज हुआ है वो दिखेगा कभी भी जिंदगी में? कभी नहीं। कितना भी मोबाइल को इसर पिसर कर लो, ऊपर नीचे कर लो, खोल दो, कुछ नहीं दिखेगा आपको। सो ऐसा कॉस्ट जो डायरेक्ट इन नेचर है बट आइडेंटिफाइबल, टेंजिबल या रिलेट, डायरेक्टली दिख नहीं रहा है प्रोडक्ट में, दैट विल बी कॉल्ड एज अ करेक्ट इन दैट विल बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया? मैं डिटेल में और भी लिखवाऊंगा, डोंट वरी, बट आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर एवरीबॉडी? बोलो ना। सो जो ऑयल अपन लोग ने यूज किया, या वो आ गया, या फिर कभी 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 प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट्स देने पड़ते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या, जब इंडिया में मारुति सुजुकी आई ना, जब इंडिया में मारुति सुजुकी, सब लोग ने नाम सुना है ना, कंपनी मारुति सुजुकी, ठीक है? तो जब इंडिया में मारुति सुजुकी आई ना, तो मारुति ने सुजुकी कंपनी, जो जापान की कंपनी है, मारुति ने सुजुकी कंपनी को रॉयल्टी दिया। बोला कि अगर हम लोग ने एक कार बनाया तो ये एक कार बनाने का हम लोग तुम्हारे को 10,000 रुपए का रॉयल्टी पे करेंगे। क्या पे करेंगे? रॉयल्टी। इसको बोलते हैं रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। अब सुनो, एक कार बनाया तो 10,000 रुपए रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन देंगे। ये सर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्यों देंगे? क्या होता है पता है क्या? सुजुकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जापान की, जो ऑलरेडी बहुत सारे कार्स बना रही है और उसको कार्स बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। इंडिया में मारुति कंपनी है जिसको कार बनाना है, बट उसको इतना एक्सपर्टीज नहीं है।
तो वो सुजुकी के जो लेबरर्स है या सुजुकी के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको बुलाता है और उनको बोलता है कि आप हमारे को हेल्प करो टेक्निकल नो हाउ में और सब में। तो वहां पे वो लोग बोलते हैं सुजुकी वाले कि भाई देखो हम लोग तुम लोग को हेल्प करेंगे बट हमारे को प्रोडक्शन के ऊपर रॉयल्टी चाहिए। कितना रॉयल्टी सर? 10,000 पर कार, राइट? तो अब 10,000 पर कार, अभी अगर 10 कार बनाया है तो उनको कितना पे करना पड़ेगा अपने को? 20,000, 10,000 × 10, 1,00,000 रुपीज पे करना पड़ेगा एज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। अब समझो क्या ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन डायरेक्ट कॉस्ट है क्या? यस। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ कार्स बना रहा हूं उतना मेरा कॉस्ट लग रहा है। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन डायरेक्ट कॉस्ट है क्या? यस सर। बट क्या ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन मेरा डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट है? हाँ। क्या ये डायरेक्ट लेबर है? जरा भी नहीं। इसमें तो कहीं पे भी एज सच रॉयल्टी जो मैं पे कर रहा हूं उसमें ओवरऑल टेक्निकल नो हाउ आ गया, ठीक है? थोड़ा लेबर भी इन्वॉल्व है, थोड़ा एक्सपेंस भी इन्वॉल्व है, थोड़ा मटेरियल भी इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली लेबर आर इन्वॉल्व है क्या? द आंसर इज नो। वो आपका उधर उसका इंजीनियर आएगा और आपको बताएगा इंजीनियर कि भाई देखो ये ऐसा ऐसा करना है, ये थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे आपको मैनेज करना है, वैसा। वो खुद काम नहीं करेगा उसका इंजीनियर या लेबर, राइट? तो टेक्निकल नो हाउ इसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं है, क्योंकि कार में जब कार बन जाएगा मारुति कार तो थोड़ी ना कहीं पे भी रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन का एज सच कुछ भी आइडेंटिफाइबल है ना। स्टील ना, कार बनाने के लिए प्लास्टिक यूज किया, टायर यूज किया, ऐसा तो कुछ भी सुजुकी का नहीं है। तो डायरेक्ट कॉस्ट है पर डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं है, तो वो क्या हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया गाइस आप लोगों को? देखो ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बार अपना ये बेस क्लियर हो गया ना फिर बाद में एकदम इजी हो जाएगा काम। सो यहां पे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, इस डायरेक्ट कॉस्ट को मैंने अभी का भी तीन पार्ट में डिवाइड किया और आप लोगों को एक्सप्लेन किया। क्या थे वो तीन पार्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल को क्या बोलेंगे? कैन आई से मटेरियल आइडेंटिफाइबल, टेंजिबल, डायरेक्टली यूजेबल इन द प्रोडक्ट? यस। सो कैन आई से यहां पे अपने को जब डायरेक्ट मटेरियल की बात करनी है तो इट विल बी बेसिकली मेरा आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए, प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली यूज होना चाहिए, राइट? तो आओ ये सब पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे अपन? आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट, बराबर है? ओके। फिर आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट को अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, फील द प्रोडक्ट, सॉरी, फील द रॉ मटेरियल इन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड, फिर शुड बी यूज इन द प्रोडक्शन डायरेक्टली, मतलब वही वेरी विद द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। सो ये भी एक पॉइंट लिख देते हैं, शुड बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन डायरेक्टली एंड डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट।
डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट। कैन आई से इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, कैन आई से इसके बहुत सारे एग्जांपल है, एंड इसका प्राइम एग्जांपल इज प्लास्टिक इन द कैलकुलेटर, कॉटन इन अ शर्ट। सो कॉटन इन अ शर्ट, वुड इन अ चेयर, वाह 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 वाह, प्लास्टिक इन अ कैलकुलेटर, लिखो ना बिंदास ना कैलकुलेटर। क्या आप लोगों को समझ में आया गाइस? डन, चलो सेकंड पे आ जाओ, डायरेक्ट लेबर पे आ जाओ। अब ये डायरेक्ट लेबर क्या होता है? वर्कर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट। सो यहां पे क्या बोलेंगे अपन? वर्कर है जो हमारा स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है वर्कर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, तुम लोग भी लिख रहे हो ना साथ में? अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? वेजेस ऑफ लेबरर्स इन द फैक्ट्री। जो फैक्ट्री है उसमें लेबरर्स को जो वेजेस देते हैं ना, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो अपना बात हुआ था, सो वेजेस ऑफ लेबरर्स इन द फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री, राइट। सो कई बार अपन लोग ऐसा करते हैं ना कि भाई एक पेन बनाएगा हाँ तो 100 रुपया देंगे, बराबर है? तो अगर तूने 10 पेन बनाया तो 10,000 रुपया देंगे, बराबर है? सो ये क्या हो गया? डायरेक्ट लेबर। अच्छा एवरीबॉडी, डन, ओके। एंड लास्ट आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका तो सिंपल डेफिनेशन है, अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट है पर वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया 2 लीटर ऑयल, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। चलो वही एग्जांपल में भी लिख लेंगे। सो एनी डायरेक्ट कॉस्ट बेटा, एनी डायरेक्ट कॉस्ट which is neither direct material, ना ही वो direct material है nor direct labor, is a direct expense, is a direct expense, okay? जी हाँ, इसका भी example अपने पास ready है। मशीन का ऑयल, या रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, राइट। चलो ये हो गया आप लोगों का लिख के, देखो साथ साथ में लिख ही रहे होगे आई एम श्योर, राइट। ये वाला एग्जाम्पल ध्यान में रहेगा ना, मशीन का ऑयल वाला डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए। चलो डन गाइस, लिख के हुआ तो मुझे प्लीज एक बार कंफर्म करना so that I can move on. अभी आ रहे, अभी अपन लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर आ रहे, डोंट वरी। अ मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। रुक जा, मेरे को इनडायरेक्ट कॉस्ट बताने दे,
फिर तू मुझे खुद बताना कि वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है, ठीक है। डन, आ जाओ। अब सुनो, ये थे इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट तो अपने हो गए, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपन लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर। अब अभी अपन लोग आ रहे हैं किसके ऊपर, इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को है ना बेटा प्यार से ओवरहेड्स भी कहा जाता है। वैसे तुम्हारा जो चैप्टर 4 है ना मॉड्यूल का, वो यही है, ओवरहेड्स के ऊपर फुल मस्त एकदम इन डिटेल चैप्टर है वो। सो आओ समझते हैं ओवरहेड्स को। तो यहां पे तीन तरह के ओवरहेड्स होते हैं। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, एक होता है ऑफिस एडमिन, और एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर अभी तो आप बोले थे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वेल द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये देखो मैं आपको एक बाइफरकेशन बताता हूं क्या, सुनना। सो मेरे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट में तीन बाइफरकेशन, एकदम करेक्ट। एक है इनडायरेक्ट मटेरियल, एक है इनडायरेक्ट लेबर और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब अगर मेरे को यहां पे ये इनडायरेक्ट मटेरियल को आपको बाइफरकेट करवाना हो, तो क्या एग्जाम्पल आप लोगों को लगता है आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल में? सोच समझ के बोलो, कोई घाई नहीं है। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा मैं बताऊं? देखो मालूम है, अपन लोग जब मशीन खरीदते हैं तो मशीन के साथ उसके कुछ टूल्स एंड स्पेयर्स भी आते हैं, जैसे कि वो पाना आता है, स्क्रू ड्राइवर आता है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें मटेरियल है, बट डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट मटेरियल तो है। सो क्या हुआ ये, इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर इनडायरेक्ट लेबर, क्या ना इससे सुपरवाइजर है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है जो ऑफिस में काम कर रहा है, वो सब क्या हुआ मेरा, करेक्ट, लेबरर है, ऑफिस में काम कर रहा है, दे विल बी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट लेबरर। एंड लास्ट है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा मेरा इलेक्ट्रिसिटी, काइंड ऑफ थिंक में इलेक्ट्रिसिटी जो है मेरा, अभी मेरे को किसी ने लिख के दिया मेन, हाँ सैलरी टू एम्प्लॉय, वो भी इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी किसी ने मेरे को लिख के दिया मेंटेनेंस ऑफ मशीन, अब क्या मेंटेनेंस ऑफ मशीन आउटपुट से डायरेक्टली रिलेटेबल है क्या? द आंसर इज नो। आप क्या करोगे, एवरी मंथ भाई एक बार वो आएगा आपका बंदा, मेंटेन करके जाएगा। सो मेंटेनेंस ऑफ मशीन विल फॉल इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी। समझा गया, किसका डाउट था ये? आयुषी, ओनली आयुषी, एक है आयुषी जैन, एक है आयुषी ओनली। समझ में आया तेरे को? ओके, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, यस, सो दैट विल ऑल्सो कम इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो चलो इसका लिखते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल में मेरा क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, टूल्स एंड स्पेयर्स, ओके। फिर क्या ना इसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, भाई ये जो कैलकुलेटर है ये कोई प्रोडक्शन पे तो डिपेंडेंट नहीं है, स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके। फिर अरे भाई बोलो बोलो, एडमिन एक्सपेंसेस, तो वो एडमिन एक्सपेंसेस तेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। चलो इधर इनडायरेक्ट लेबर लिख लेते हैं कुछ। तो इनडायरेक्ट लेबर में क्या क्या आ जाएगा, क्या नहीं से सुपरवाइजर एडमिन, सुपरवाइजर सैलरी, एडमिन सैलरी, ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अपना एक फेवरेट एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट, ये भी तो एक्सपेंस है भाई। ऑफिस रेंट या फैक्ट्री रेंट जो दे रहा हो भाई, वो तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो तो अपना कल ही बात हो गया था। क्या वो इनडायरेक्ट मटेरियल है क्या? नहीं, कोई मटेरियल तो है नहीं रेंट में। लेबर है क्या? नहीं, तो वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया आप लोगों को गाइस? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, वेरी गुड आयुषी, वेरी नाइस। सो इधर अपन लोग लिख लेते हैं फैक्ट्री रेंट, ओके। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, वेरी गुड, ये सब मेरा इधर आ जाएगा।
समझ में आ गया क्या आप लोगों को? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट एकदम दिमाग में सेट हो गया है गाइस? प्लीज एक बार कंफर्म करके लिख दो यस ऑल क्लियर, और ये लिख भी लो, है ना? डन। ना? अच्छा क्लियर हो गया सब लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट? इट्स जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। वाह वाह। ओके चल अब सो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी समझ में आ गया अपने को, डायरेक्ट कॉस्ट भी अपने को अच्छी तरह से एकदम क्लियरली सेट हो गया, समझ में आ गया है गाइस? बोलो बोलो चल चल। अब एक लेवल ऊपर जा रहे हैं अपन, ध्यान से एवरीबॉडी फोकस। मेरे को बताओ कॉस्ट शीट में क्या दो पार्ट होते हैं? सबको लिख के बताना है मुझे यहां पर। कॉस्ट शीट में क्या दो पार्ट्स होते हैं मेरे पास? एक होता है करेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। एकदम सही जवाब। अच्छा डायरेक्ट कॉस्ट में मेरे को तीन बाइफरकेशन बताओ और उन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं वो बताओ मेरे को। एक होता है मेरा डायरेक्ट मटीरियल, क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल अपने को बताया, डन। एक होता है डायरेक्ट लेबर अपने को बताया, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस अपने को बताया। ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी कॉस्ट, और वी कैन कॉल इट एज द प्राइम कॉस्ट। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? डन। सो ये एक पूरा सॉर्टेड है अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अब इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी अपन लोग ने तीन पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी अपन लोग ने तीन पार्ट में डिवाइड किया। क्या एक इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर इनडायरेक्ट लेबर, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के नाम दिया गाइस ओवरहेड्स। तीनों को मिला के नाम दिया गाइस ओवरहेड्स। अच्छा एवरीबॉडी बराबर है? डन। क्या होता है ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? ये भी अपने को पता है ना बेटा? डन सर, ये भी अपने को अच्छी तरह से पता है। अब इस ओवरहेड्स को भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप बोलेंगे अरे सर कितना डिवीजन पे डिवीजन हो रहा है, अरे मैं क्या करूं भाई, जो उन्होंने बोला है वो अपने को करना है। सो इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंड दोस थ्री पार्ट्स आर, पे अटेंशन व्हाट आर दे। ये ओवरहेड्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को नाम दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरे को नाम दिया ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, और तीसरे को नाम दिया, तो इसको अपन लोग एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन नाम दे देते, इसको नाम दिया एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड तीसरे को नाम दिया जनरल एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जी हाँ समझे ना, कॉस्ट शीट को बोला बाइफरकेट करो सर, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों मिला के बन गया प्राइम कॉस्ट।
फिर मैं आया इनडायरेक्ट कॉस्ट पे, तीन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों मिला के बन गया ओवरहेड्स। इस ओवरहेड्स को फर्दर सब डिवाइड किया तीन पार्ट में, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होगा? फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है पता है? फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये क्या है? सुनो, ये थोड़ा एक ट्रिकी है। देखो, एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडमिन, तो वो इधर जनरल एंड ऑफिस एंड एडमिन में आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। बट कई बार फैक्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं विच आर नॉट फैक्ट्री ओवरहेड्स, दे विल बी क्लासिफाइड इनटू एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जिसके लिए स्पेसिफिक नाम ही दे दिया है। और ये क्या है वो नाम पता है क्या आपको? इसको नाम दिया है क्यू आर ए सी पी। सर ये क्या लिखा है? कुछ नहीं समझा। ओके, मेरे को पता है आपको कुछ नहीं समझा, थोड़ा सा टाइम दो, सब समझा दूंगा। एंड तीसरा है मेरा जनरल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये है मेरा, इसको अपन लोग लिखेंगे ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट का इन डायरेक्ट कॉस्ट। ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट का इन डायरेक्ट कॉस्ट। ए समझ गयी एवरीबॉडी? प्लीज कॉपी दिस, प्लीज कॉपी दिस। डन अब यहां पे आ जाएगा ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के ओवरहेड्स का बाइफरकेशन। ओके, आई एम वेटिंग। बस थोड़ा सा 15-20 मिनट दो और मेरे को, फिर पूरा का पूरा मैं एक एक चीज कनेक्ट करवा दूंगा। और मजाक मजाक में है ना, अपना पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बता रहा हूं मैं। डन, चलो ओके। अब आ रहे हैं अपन लोग ऑलमोस्ट एक लास्ट एस्पेक्ट के ऊपर, और उसके बाद अपना एक मेजॉरिटी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। गाइस प्लीज पे अटेंशन, व्हाट इज दैट पार्ट? हियर इट इज। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है ओवरहेड्स, इसके अंदर है तीन चीजें, एक है फैक्ट्री, दूसरा है एडमिन आरटीपी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और तीसरा है जनरल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जनरल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपन लोग लिखते हैं, इधर चाहिए तो लिख सकते हैं जनरल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आइए 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 इसको समझने की कोशिश करते हैं।
फर्स्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का फर्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या आता है यहां पे, देखो अपन लोग ने एक आइडिया तो लिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा। कैन आई से टूल्स एंड स्पेयर्स आएगा, बराबर है। सो इधर देखो, एनी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, किसी भी तरह का। देखो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या आ जाता है, किसी भी तरह का इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट वो फैक्ट्री में होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड। सर अपन लोग क्यों कर रहे हैं ये बाइफर्केशन, मैंने बोला ना 15 मिनट दो, सब चीजें कनेक्ट करूंगा, अभी फिलहाल एक इंडिविजुअल लेवल पे समझ। सो इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है अपने को पता है ना, ये इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री में हो रहा है ना, उसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, समझे। आओ लिखते हैं, एनी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड इन द फैक्ट्री। इनकर्ड इन द फैक्ट्री, जैसे समझो इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल लेना है तो टूल्स एंड स्पेयर्स, तो टूल्स एंड स्पेयर्स क्या मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट है, हाँ। कहां पे बाइफरकेट हो जाएगा ये, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फिर इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर कहां पे जाएगा, फैक्ट्री सुपरवाइजर। कैन आई से इनडायरेक्ट लेबर है मेरा फैक्ट्री सुपरवाइजर, सो फैक्ट्री सुपरवाइजर, बराबर ना। फैक्ट्री का सुपरवाइजर जो है उसका काम क्या है, देखना भाई सब लेबरर जो डायरेक्ट लेबरर है वो बराबर काम कर रहे कि नहीं, उसके लिए आपको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, फैक्ट्री सुपरवाइजर, वो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर में, उसका फिक्स्ड कॉस्ट है भाई, वो डिपेंडेंट नहीं है उसका प्रोडक्शन पे, फैक्ट्री सुपरवाइजर। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर मेरे को देना हो तो फैक्ट्री का अपना फेवरेट, फैक्ट्री का रेंट। गॉट इट गाइस। इधर और एक चाहिए तो मशीन का डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। नेक्स्ट एनी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, चलो इसको अपन वैसा नहीं लिखते हैं, इसको मैं आपको QRACP के फॉर्म में समझाता हूं। चलो अब सुनो, ये यहां पे एडमिन आरटीपी, आरटीपी का मतलब होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन। चलो इधर मैं निकाल के बताता हूं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब अगर ये मेरा रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, देन अब ये मेरा रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो इसके लिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग हेड्स है ना, उन्होंने बोला कि यहां पे स्पेसिफिक 5 चीजें आएगी, QRACP। सर क्या है ये QRACP? अब बता दो, क्यों टेंशन लेते हो। So, ये QRACP में आती है क्यू, क्वालिटी टेस्ट एक्सपेंस। अब सुनो, मेरा ये कैलकुलेटर बराबर बना है कि नहीं बना है, ये कौन बताएगा? कैन आई से क्वालिटी का टीम रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये जो क्वालिटी का टीम इसके ऊपर काम करेगी, क्वालिटी टेस्टिंग का काम करेगी, उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो कहां पे जाएगा, वो एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में जाएगा, समझे। दूसरा है आर कहां पे जाएगा, आर में क्या जाएगा, आर में जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सब लिखवाऊंगा, अभी खाली बता रहा हूं। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए ना बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है, इसको बहुत डिटेल में अपन लिखेंगे, अभी के लिए फिलहाल खाली ऊपर से बता रहा हूं। बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है, फॉर एग्जांपल ये बटन किधर आएगा, ये बटन क्या स्पीड पे प्रेस होना चाहिए। अभी से फॉर एग्जांपल ये एप्पल का पेन है, तो ये एप्पल का पेन कैसे लिखना है, इसमें से इंक कैसे आएगा, ये सब क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ये कहां पे जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये तो पता है।
कहां पे जाएगा? स्पेसिफिकली यहां पे एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में जाएगा। समझ में आप आ रहा है आप लोगों को? फिर आता है ए, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जैसे सपोज कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का काम है, जैसे अपन लोगों ने यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखा, अब यहाँ पे दो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है, एक ऑफिस का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और फैक्ट्री में भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है। तो अगर फैक्ट्री का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हुआ तो वो कहां पे जाएगा? एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में। समझे? सी, सी का मतलब क्या है? क्रेडिट फॉर रिकवरीज। बताता हूं, आपने समझो कोई रॉ मटेरियल मंगवाया, वो रॉ मटेरियल खराब हो गया, तो आप क्या करोगे? आप वो रॉ मटेरियल भंगार वाले को दे दोगे। भंगार वाला समझते हो? समझते ही होगे। सो उसको आप दे दोगे। सो वो आपको अगर कुछ पैसा देगा वो स्क्रैप वाले रॉ मटेरियल का, देन इन दैट केस वो कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट फॉर रिकवरीज। अब आइडियली रॉ मटेरियल का जो स्क्रैप है ना, उससे जो पैसा मिला वो तो कई बार इधर का इधर ही एडजस्ट हो जाता है, बट फैक्ट्री में एक वर्क इन प्रोसेस करके होता है, तो वर्क इन प्रोसेस करते वक्त अगर कोई प्रोडक्ट आपका खराब हो गया तो वो प्रोडक्ट खराब है, आप उसको मार्केट में तो बेच नहीं सकते, तो आप उसका क्या करोगे? क्रेडिट, मार्केट में जाके भंगार वाले को बेच दोगे। दैट विल कम हियर, क्रेडिट फॉर रिकवरी। उतना कॉस्ट, ये उतना, ये रिकवरी है, मतलब पैसा आ रहा है तो ये उतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हैवी लग रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, खाली एक बार ऊपर ऊपर से अभी मुझे बताना है कुछ चीजें कनेक्ट करने के लिए, तो बता रहा हूँ, फिर इसको और डिटेल में अपन लोग समझने वाले हैं। और पी होता है प्राइमरी पैकेजिंग। आप लोग ने कभी टूथपेस्ट यूज किया है? सर एवरीडे यूज करते हैं, तो टूथपेस्ट के अंदर वो जो पेस्ट होता है ना, वो ऐसे ही नॉर्मली उसमें तो नहीं मिलता है ना, वो एक डब्बी के अंदर होता है, तो वो जो डब्बी है ना, ये जो मेरा टूथपेस्ट है, क्या ना, इसे ये इसके अंदर होता है, तो ये जो पैकेजिंग है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, ये जिसके अंदर ये टूथपेस्ट, ये पेस्ट है अपना। ठीक है सर, हमारा तो व्हाइट कलर का टूथपेस्ट होता है, कोई बात नहीं, हमारा ब्लैक कलर का है। सो ये जो पेस्ट है ना, पेस्ट को जो बाहर से अपन पैकिंग करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैकेजिंग। कल सुबह उठ के जब आप अपना टूथपेस्ट ओपन करेंगे, तो आपको जैसे ही वो टूथपेस्ट का वो बाहर, वो जिसके अंदर वो पेस्ट भरा है, वो देखोगे तो बोल देना, अरे ये तो प्राइमरी पैकेजिंग है। समझ में आया क्या गाइस? QRACP। So, अभी फिलहाल खाली लिखवा रहा हूं एक बार, इसको अपन लोग प्रॉपरली करेंगे जब अपन प्रॉपर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। सो व्हाट इज क्यू? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। सर ये बाइफरकेशन क्यों किया है? क्योंकि कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के लिए दिस इज कंपलसरी, उन्होंने बोला है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट यही फॉर्मेट में आएगा, तो कर लेते हैं अपन। आर, आर क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ए क्या है? एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सी क्या है? क्रेडिट फॉर रिकवरीज। एंड लास्ट क्या है? पी, पी के लिए अपन लोग ने लिखा था प्राइमरी पैकेजिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको और डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना। डन। और उसके बाद क्या है? देखो, जनरल एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारा का सारा यहां पे आ जाता है, तो इसके लिए अपन लोग लिख लेंगे एनी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डन इन ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट, डन इन ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बोलो क्या आएगा? इनडायरेक्ट मटीरियल में क्या आ सकता है? समझो आपने कभी कोई फ्री गिफ्ट दिया, सेकेंडरी पैकेजिंग। सर सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है? सुनो, एक तो होता है ये मेन पैकेजिंग। अब मालूम है इसको एक वो कार्डबोर्ड के डब्बे में वो लोग पैक करके देते हैं, वो हो गया आपका सेकेंडरी पैकेजिंग। ये जो है ना, ये जो कार्डबोर्ड का डब्बा है ना, ये हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, सो ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया।
सेकेंडरी पैकेजिंग, समझे? इनडायरेक्ट लेबर में कैन आई से मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट टीम, मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग टीम, एंड देन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन. बट देखो अभी ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ना, ये मशीन का डेप्रिसिएशन है. मशीन मतलब जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है मशीन, उसका डेप्रिसिएशन. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. अगर मेरे पास कोई डिलीवरी व्हीकल है, ठीक है, देखो अगर मेरे को किसी जैसे कस्टमर का कॉल है और बोला कि भाई मेरे को 100 कैलकुलेटर भेज दो, तो वो 100 कैलकुलेटर क्या मैं हाथ में लेके जाऊंगा क्या? नहीं. उसके लिए मेरे को एक डिलीवरी व्हीकल अरेंज करना पड़ेगा. ये जो डिलीवरी व्हीकल है ना, उसका डेप्रिसिएशन. ऊपर ऊपर से बता रहा हूं. या फिर मैंने कोई होर्डिंग लगाया बड़ा, ठीक है, बड़ा होर्डिंग लगाया, संकल्प कांस्ट या क्लासेस, वो होर्डिंग भी एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एक्सपेंस है. अब उसको देख के कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता. सो इनडायरेक्ट है, सेल्स रिलेटेड है, बराबर है, इनडायरेक्ट है, सेल्स रिलेटेड है, तो किधर जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में. सो ये इधर आ जाएगा, होर्डिंग एंड दूसरा है मेरा डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स. समझे गुड एवरीबॉडी? क्लियर? इधर तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए. चलो अब अपन लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे. अब बस ऑलमोस्ट अपन कॉस्ट शीट बनाने ही वाले, ऑलमोस्ट उधर पहुंच गए अपन. बाकी एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, अब जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो इसको और डिटेल में थोड़ा समझ लेंगे एग्जाम्पल के साथ. और भी कहीं पे आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, वो सब और डिटेल में अपन लोग समझ लेंगे. बट अब मैं क्या करने वाला हूं बताया क्या? पूरे कॉस्ट शीट को कनेक्ट करने वाला हूं. वी आर ऑलमोस्ट रेडी. आज तुम लोग का लेक्चर एंड होने तक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एटलीस्ट ऊपर ऊपर से तुम लोग को क्लियर हो जाएगा. और कल तक तो इतना अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कॉस्ट शीट का कोई भी सम फिर आने दो, तुम लोग उसको सॉल्व कर पाओगे. जी हाँ, देखना है, अब देख लेना. सुनो तो अभी मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद. राइट, तो तुम लोग तब तक ये ब्रेक में लिख लो और एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं. कम ऑन प्लीज, कम ऑन. चलो लेट्स स्टार्ट. अब जो हमारे गूगल ड्राइव स्टूडेंट है उनको लगेगा, हाँ सर अभी तो ब्रेक दिया और अभी आप आ भी गए, तो मैंने पॉज कर दिया था तुम्हारे लिए वीडियो को. तुम्हारे लिए तो पूरा कंटिन्यूएशन है कि तुम लोग भी पॉज कर सकते हो. बट जो हमारे लाइव वाले हैं, लेट्स गेट बैक. सो गाइस, मैं अगर ये पूरा का पूरा हटा दूं और मैं आप लोगों को बोलूं कि आज तुम लोग ने क्या क्या सीखा, तुम लोगों अगर वो सिस्टमैटिकली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कोई बनाने को बोले, तो अब तक तुम लोग ने जो सीखा है वो पूरा मेरे को एक बार बताओगे क्या? लिख के प्लीज, लिख के बताओगे क्या? सो अगर मेरे को कोई बोले तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो, सबसे पहले कॉस्ट शीट मेरे को अगर बनाना है, उसके 3 रीजन है. मुझे चाहिए कि मेरा जो कॉस्ट है वो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड हो जाए, बराबर सर. मेरा जो कॉस्ट है मुझे चाहिए कि वो प्रॉपरली क्लासिफाई हो जाए, बराबर. मुझे चाहिए कि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में आ जाए, एकदम बराबर. तो ये 3 रीजन की वजह से मैं बना रहा हूं मेरा कॉस्ट शीट. इसको मैंने सबसे पहले डिवाइड किया 2 पार्ट में. एक बना डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा बना इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन. इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है. डायरेक्ट कॉस्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो तीनों मिला के बन गया मेरा प्राइमरी कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, विच इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स. बट ये ओवरहेड्स को प्रॉपरली रिक्लासिफाई किया मैंने इनटू 3 पार्ट्स: फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जनरल एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. क्या आप लोगों को इधर तक सब चीज समझ में आया है? कुछ कुछ 2-3 पॉइंट शायद इधर उधर मिसिंग होगा, बट अदर देन दैट आर वी ऑल क्लियर एवरीबॉडी? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
चीजों का क्लैरिटी रहना, बिकॉज देन थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी इजियर एट द फोर फ्रंट. राइट गाइज? सो कॉशिट के दो बाइफरकेशन, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, बराबर. डायरेक्ट कॉस्ट के तीन बाइफरकेशन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट के भी तीन बाइफरकेशन, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सब मिला के बन गए ओवरहेड्स, सब मिला के बन गए ओवरहेड्स. इस ओवरहेड्स को मैंने और फर्दर सब डिवाइड किया, इस ओवरहेड्स को मैंने और फर्दर सब डिवाइड किया इनटू थ्री पार्ट्स, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड जनरल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. समझ में आया एवरीबॉडी? रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड जनरल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. डन. सो इधर तक अभी अपन लोग ने कर लिया है गाइस, इधर तक ऑलमोस्ट सब चीजें अपने को समझ में आ भी गई है. राइट right? अब फाइनली कॉस्ट शीट बनाने अपन लोग जा रहे हैं. आयुषी का एक क्वेश्चन है, सर डोनेशन विल कम इन विच ओवरहेड? विल कम टू दैट, डोंट वरी. यहां पे अभी अपन लोग एक एक चीज आएंगे. तेरे को खाली एक आइडिया दे दू कि डोनेशन कॉस्ट शीट से इग्नोर हो जाता है क्या. डोनेशन देख, कॉस्ट शीट क्यों बना रहे उसका इंटेंट समझ. कॉस्ट शीट बनाने का रीजन है फाइंड करना कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा लगा. अब डोनेशन इज नॉट अ कॉस्ट विच इज इंकर्ड फॉर मेकिंग एंड सेलिंग दिस प्रोडक्ट. डोनेशन तो मैं आउट ऑफ द वे एक्स्ट्रा कुछ दे रहा हूं अपने खुशी से. तो क्या डोनेशन बना रहा हूं क्या मैं, आई मीन डोनेशन देके क्या मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं, मार्केटिंग कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं? नहीं. सो आइडियली कॉस्ट शीट में आना ही नहीं चाहिए डोनेशन. अच्छा चलो, अब कुछ जनरल पॉइंट्स कॉस्ट शीट का अपन फॉर्मेट बनाए उसके पहले. सो कॉस्ट शीट लिखते जाना मेरे साथ ही. अर्चित समझ में आ रहा है ना इधर तक? गाइस एक बार मेरे को बताओ इधर तक सब लोगों को क्लियर है ना? तुम लोगों को इधर लिखना है ऑल क्लियर, अगर क्लियर है तो, और अगर कुछ डाउट्स है या फिर कुछ भी है तो एक बार मेरे को बता दो, सो दैट उस चीज के ऊपर मैं एक्स्ट्रा फोकस कर सकता हूं. इफ यू फील गेट सर समझ में आ गया सब, कोई टेंशन नहीं, ऑल क्लियर इधर तक तो वो लिख दो ऑल क्लियर, अदरवाइज सर एक दो जगह पे डाउट है बता देंगे. ओके, पब्लिक का ऑल क्लियर आ गया है, थैंक यू. चलो सो अब कॉस्ट शीट के कुछ जनरल पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बता रहा था अभी का भी. कॉस्ट शीट इज यूजुअली मेड फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड. इट कुड बी वन वीक, इट कुड बी वन डे, इट कुड बी वन मंथ, वन ईयर, सिक्स मंथ्स, कुड बी एनीथिंग. कॉस्ट शीट will always be made for a particular duration. लिखो.
अब ये सेकेंड पॉइंट देखो, अ कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड क्यू फॉर अ प्रोडक्ट टू फाइंड आउट इट्स टोटल कॉस्ट सो दैट वी कैन कैलकुलेट द प्रोडक्ट्स प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस. यस, सो अ कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ प्रोडक्ट टू फाइंड आउट इट्स टोटल कॉस्ट सो दैट वी कैन कैलकुलेट द प्रोडक्ट्स प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस. वॉइस आ रहा है अभी बराबर? सो मेन इंटेंट क्या है अपना? ये टोटल कॉस्ट क्या है वो फाइंड करना है, प्रोडक्ट का प्रॉफिट क्या है, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या है, ये फाइंड करना है अपना मेन काम, द रीजन वी आर मेकिंग द कॉस्ट शीट. डन. अब फाइनली अपन लोग आ रहे हैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के ऊपर. गाइस प्लीज पे वेरी हाई अटेंशन टू दिस. आज तो अपने को मेनली लिखना ही है बहुत सारा, क्योंकि वो फॉर्मेट पहले मैं लिखवा दूंगा, बट लिखते लिखते है ना आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि अपन लोग ने सिस्टम ऐसा सेट किया हुआ है ना इसका कि अपने को याद आ जाएगा, अपने को कनेक्ट हो जाएगा कि पहले मैं तुम लोगों को बताऊंगा. देखो कॉस्ट शीट में ना पहले डायरेक्ट कॉस्ट लिखते हैं, तो जैसे ही मैं ये बोलूंगा आपको क्लियर हो जाएगा. हाँ, अगर कॉस्ट शीट में पहले डायरेक्ट कॉस्ट लिखते हैं तो सीधी सी बात है, पहले डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा. सो दैट इज व्हाट द सिस्टम इज टू बी फॉलोड. सो इधर पे अपन लोग लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर्मेट. क्या हो जाएगा कॉस्ट शीट फॉर्मेट? वी विल राइट हियर ऐसे, कॉस्ट शीट ऑफ मेसर्स एक्स वाई जेड कंपनी फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल. ये खाली एक ऐसे ही बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, जो भी पीरियड का होगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. सबसे पहले कॉस्ट शीट में अपन लोग क्या लिखेंगे, जैसा मैंने आपको बोला, सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में. डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला क्या आता है? देखो अभी तुम लोग खुद ही बोलते जा रहे हो चीजें, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या आएगा. हाँ सर, डायरेक्ट कॉस्ट इन डायरेक्ट कॉस्ट. तो डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले क्या आएगा? हाँ सर, डायरेक्ट मटेरियल. आओ आ जाओ लिख लो डायरेक्ट मटेरियल. अब इस डायरेक्ट मटेरियल का मैंने तुम लोग को आइडिया दे दिया है कि ये डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, लिखवा भी दिया है कि ये डायरेक्ट मटेरियल क्या क्या आता है, इसके अंदर लॉजिकली क्या होना चाहिए. जैसे अगर जैसे आप ये रिमोट देखोगे और मैं पूछूंगा इसका डायरेक्ट मटेरियल बताओ, तो आप बता दोगे सर ये जो बाहर का प्लास्टिक है वो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स, राइट. अब इस डायरेक्ट मटेरियल को अब इस डायरेक्ट मटेरियल को और बाइफर्केशन करना है, उसका मैं तुम लोगों को पूरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से समझना. मुझे एक बात बताओ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. किसका एग्जाम्पल? ये पेन का ही ले ले. ऐसा सोचते हैं अपन लोग कि अपन लोग एक पेन मैन्युफैक्चरर है, वी आर इन टू द बिजनेस ऑफ पेन मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, एक पेन बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 100 यूनिट ऑफ प्लास्टिक चाहिए, 100 यूनिट ऑफ प्लास्टिक चाहिए एक पेन बनाने के लिए. अब जस्ट एक आइडिया बता रहा हूं मैं आप लोगों को. सपोज ऐसा कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है कुछ पेन का. ओपनिंग स्टॉक क्या होता है सर? हमको नहीं पता है, तो चलो ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना. एक पेन बनाने के लिए समझो आपको 100 यूनिट्स प्लास्टिक चाहिए, तो अगर मेरे को 10 पेन बनाना है तो आइडियली कितने प्लास्टिक की जरूरत लगेगी आप लोग मुझे बताओ. कैन आई से 1000 यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक की जरूरत लगेगी? बराबर है? ओके सर. इसमें से अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 100 यूनिट ऑफ प्लास्टिक ऑलरेडी पड़ा है, तो कितने यूनिट ऑफ प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी? कैन आई से 900 यूनिट्स की? इसमें मैं बोलता हूं बट मेरे को और प्लास्टिक रखना है. मैं देखो एक एग्जांपल देता हूं, सुनो.
मेरे को टोटल 10 पेन्स बनाना है, आप मेरे को बताओ ये 10 पेन्स बनाने के लिए मेरे को कितना प्लास्टिक का जरूरत लगेगा। तो ऊपर का ये देखकर तो कोई भी बोलेगा कि सर 1 यूनिट बनाने के लिए अगर 100 यूनिट ऑफ प्लास्टिक चाहिए, तो सर 10 पेन बनाने के लिए 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, या जिसको अपन बोल सकते हैं 1000 यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक चाहिए, 1000 यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया, इतना कोई टेंशन का बात नहीं है। दस पेन बनाने के लिए 1000 यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक अपने को चाहिए। अब इसमें से अगर मैं आपको बोलता हूं, दो प्लीज ध्यान से सुनना, तो आइडियली मैं परचेस करना चाहिए 1000 यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक, बट अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि ये 1000 यूनिट्स में से मेरे पास 200 यूनिट्स ऑलरेडी पड़ा है, ऑलरेडी पड़ा है मतलब कहना ही से ये मेरा ओपनिंग स्टॉक जैसे हुआ, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है मतलब कहना ही से ये मेरा ओपनिंग स्टॉक जैसे हुआ, तो 1000 में से 200 अगर पड़ा है, देन इन दैट केस मेरे को अब कितने यूनिट्स का ऑर्डर करना पड़ेगा, कहना ही से 800 यूनिट्स का। बट मेरे को कंपनी, मेरी कंपनी का एक पॉलिसी है, मेरी कंपनी का पॉलिसी है कुछ भी हो जाए मेरे को से मेरा जो प्लास्टिक का परचेज है ना उसका 15% एज अ क्लोजिंग स्टॉक रखना है, या मैं उसका भी इजी कर देता हूं, मेरे कंपनी का पॉलिसी है मेरे को 150 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक रखना ही रखना है। तो आइडियली मेरे को 10 पेन बनाने के लिए 1000 यूनिट ऑफ प्लास्टिक चाहिए, मैं मंगा दूंगा, बट मुझे रियलाइज होता है उसमें से 200 यूनिट तो है, तो मेरे को तो आइडियली 800 यूनिट्स ही मंगाना है, बराबर है, 800 यूनिट्स आएगा प्लस 200 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लूंगा, 1000 प्लास्टिक हो गया, 10 पेन बन गया। बट मेरे को और एक इधर नोटिफिकेशन आया और बोला कि नहीं, अपने को 150 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल भी एंड में रखना है, तो कैन आई से और 150 फिर मेरे को मंगाना पड़ेगा, तो कैन आई से अगर मैं 950 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल मंगाता हूं, अगर मैं 950 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल मंगाता हूं, देन क्या होगा ध्यान से सुनना, 950 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल से मैं पहले 950 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल है ये तो मैंने परचेज कर लिया, एग्जाम्पल इसमें और 200 यूनिट का मेरे पास तो ओपनिंग स्टॉक भी है, तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक भी मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल कितना हो गया 1150। इसमें से अगर मैं 150 यूनिट्स मेरे को क्लोजिंग स्टॉक रखना ही रखना है, तो अब कितना बच गया 1000 रॉ मटेरियल, और वही तो मेरे को चाहिए 10 रॉ मटेरियल 10 पेन्स बनाने के लिए। अब इसको एकदम बेसिक वे में सोचो, मेरे को 1000 रॉ मटेरियल चाहिए 10 पेन बनाने के लिए, उसमें से 200 रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा है ओपनिंग स्टॉक, तो मेरे को कहना है इसे एडिशनल 800 यूनिट्स और मंगाना पड़ेगा, बट खाली 800 मंगाऊंगा तो 800 और 200 पूरा का पूरा उसी में यूज हो जाएगा, बट मेरी कंपनी का पॉलिसी है 150 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक रखना है, तो इसमें मैं कहना इसे 150 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दूंगा, तो इन शॉर्ट मेरे को 950 यूनिट्स का रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। अगर मैंने 950 यूनिट्स का रॉ मटेरियल परचेज किया प्लस ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट का, उसमें से 150 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक का निकाल दो, तो 1000 रॉ मटेरियल जो मुझे चाहिए मेरे 10 पेन के लिए एग्जैक्टली उतना ही बचेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो इन शॉर्ट मेरे को परचेज कितना करना पड़ेगा, खाली 950 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ समझ में आया तुम लोगों को भाई, अगर मैं यहां पे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट करूं और फिर देखूं मेरे को कितना रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, तो ये वो कैलकुलेशन है, ये वो कैलकुलेशन है, समझ में आया। डन, ठीक है, अब यहां पे देखो वापस डायरेक्ट मटेरियल है मेरा, ठीक है, एक पेन बनाने के लिए मेरे को चाहिए 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल,
मैं बस वेट कर रहा था, सब लोग है ना मेरे साथ। हाँ, अब ऐसा सोचो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स का, ठीक है, मैंने और रॉ मटेरियल परचेज किया, कितना पता है, 1000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया। तो देखो अपन लोग यहाँ पे भी यही कर रहे थे, कितना परचेज किया, कितना ओपनिंग स्टॉक था, उसमें से क्या माइनस कर दिया अपन लोग ने। करेक्ट है ना, इसे क्लोजिंग स्टॉक मेरे को चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे को समझो 200 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए ही चाहिए। मतलब मेरे को कितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम करना है, मतलब मैं कितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम करने वाला हूं। तो मेरे पास था 1000, 100 मेरे पास ऑलरेडी था, उसमें से और 1000 मैंने मंगाया, तो कहना है इससे 1100 हो गया मेरे पास रॉ मटेरियल, उसमें से 200 मैंने मेरा साइड पे रख दिया एज अ क्लोजिंग स्टॉक, मेरे को ये स्टॉक में चाहिए। तो मैंने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया होगा। करेक्ट, एंड दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, रॉ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ए समझी गुड एवरीबॉडी। क्लियर, लिख लो लिख लो। लिख लो लिख लो, ये लिख लो। तो मुझे बताओ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए इतना डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है, समझ रहे हो भाई, 1000 रॉ मटेरियल मंगवाया, 100 ऑलरेडी था वो भी ऐड किया तो टोटल 1100 हुआ, बट उसमें से 200 तो साइड पे रख दिया, तो बचा कितना 900, वो एक्चुअली यूज हुआ है मेरा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, और वही मेरा जो यूज हुआ है वही आना चाहिए मेरे कॉस्ट शीट के वर्किंग के लिए। एम आई राइट एवरीबॉडी, गॉट इट, प्लीज लिख के हो गया तो एक बार कंफर्म करो, फिर मैं इसका फॉर्मेट भी लिखवा देता हूं।
समझ में आ गया तुम लोगों को डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के ऊपर कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, इसके लिए अपन लोग ने इतना डिटेल में इतने एग्जाम्पल के साथ उसको समझने की कोशिश की है। अब आ जाओ मेरे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर और उसका आंसर तुम लोगों को मेरे को देना है फटाफट, कमन। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि समझो कोई फिक्स्ड एसेट है, समझो कोई फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अब याद है तुम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हो, समझो मैंने एयर कंडीशनर लिया, समझो मैंने एयर कंडीशनर लिया वर्थ रुपीज 10,000, वर्थ रुपीज 10,000 या वर्थ रुपीज 50,000, ठीक है। इस पे मैंने इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंकर किया रुपीज 5,000, आप मुझे बताओ आप क्या एंट्री पास करते हो ऐसे सिचुएशन में, आप मुझे बताओ एंट्री क्या पास करते हो, क्या आप एंट्री पास करते हो एसेट जो भी एयर कंडीशनर है तुम्हारा अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश बैंक और क्रेडिटर जो भी है 50,000, ऐसे एंट्री पास करते हो, या फिर आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी इंक्लूड कर दोगे इसी में, बोलो बोलो चल चल बताओ क्या करोगे। सीधी सी बात है क्या, नहीं सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं उसी में ऐड कर देते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज होने वाला है रॉ मटेरियल के लिए। आप जब रॉ मटेरियल ऑर्डर करते हो ना तो आपका जो रॉ मटेरियल सप्लायर है ना, आपका जो रॉ मटेरियल सप्लायर है वो आपको रॉ मटेरियल भेजेगा, जब वो आपको रॉ मटेरियल भेजेगा ना तो वो रॉ मटेरियल सप्लायर से लेकर फैक्ट्री पे आने तक का कुछ कॉस्ट लगेगा, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, जिसको प्यार से बोलते हैं कैरिएज इनवर्ड। भाई मेरे पास माल आ रहा है इनवर्ड आ रहा है उसका कैरिएज कॉस्ट, इसको बोलते हैं कैरिएज इनवर्ड। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम, जैसे ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ एसेट, वैसे ही ये कैरियज इनवर्ड इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ यस डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम। समझ में आया बातें बातें कुछ अनकहीं सी, क्लियर एवरीबॉडी। अब आगे क्या हुआ पता है क्या, गाइस ये हो गया ना लिख के कैरियज इनवर्ड इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब सुनो मेरा सप्लायर ने रॉ मटेरियल पूरा का पूरा प्लास्टिक भर दिया ट्रक में, ट्रक आ रहा है आ रहा है आ रहा है आराम से, ट्रक आ गया फैक्ट्री में और फैक्ट्री में अब वो ट्रक पूरा का पूरा रॉ मटेरियल अनलोड कर रहा है। जैसे ही वो रॉ मटेरियल अनलोड किया ना, थोड़ा सा रॉ मटेरियल उसमें से टूट गया, अब वो रॉ मटेरियल जो टूट गया है क्या उसको मैं मेरे प्रोडक्शन के लिए यूज करूंगा क्या, ऑब्वियसली नॉट। तो अब ये रॉ मटेरियल थोड़ा ही टूटा है यूज कर लूं क्या, नेवर, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल खराब यूज किया तो आउटपुट भी खराब आएगा तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल समझो ना, अब ये शर्ट बनाने का है तो शर्ट बनाने का है तो कॉटन एकदम सही होना चाहिए ना, सपोज वो कॉटन में थोड़ा सा होल है, एक पार्ट ऑफ कॉटन में होल है, तो वो कॉटन वैसा यूज करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि शर्ट फिर बाद में होल वाला बनेगा तो ऑब्वियसली विल नॉट डू दैट। तो वो जो कॉटन जिसमें होल है उसको अब मैं शर्ट बनाने के लिए तो यूज नहीं कर सकता, तो क्या करूं ऐसे ही फेंक दूं क्या, द आंसर इज नो, उसको मैं क्या कर दूंगा, अगेन आई कैन सेल इट एज अ स्क्रैप, भंगार वाले को दे सकता हूं, वो थोड़ा बहुत तो पैसा दे देगा। तो वो जो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है ना वो इधर का इधर ही उसको एडजस्ट कर देने का। बट अगर अगर प्रोडक्शन करते वक्त समझो रॉ मटेरियल आ गया मेरे फैक्ट्री में और वो जो कॉटन आया वो एकदम परफेक्ट है, बट प्रोडक्शन करते वक्त जब मैंने मशीन में डाला, मशीन के थ्रू वो थोड़ा खराब हो गया, तो
अगर वैसा खराब हुआ और फिर उसको एज अ सेल ऑफ स्क्रैप करते हो, तो फिर वो एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में, मालूम है था, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, वो वहां पे जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो सर, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, एक फ्लो में बता दिया आपको कि अगर आ गया फैक्ट्री में, फैक्ट्री में एकदम परफेक्टली आया है और उसको मशीन में यूज करते वक्त खराब हुआ, वो वाला जो खराब चीज है, अगर वो मैं बाहर मार्केट में बेचूंगा ना, तो वो मैं बेच के जो पैसा कमाया वो इधर आएगा क्रेडिट फॉर रिकवरीज में। बट अगर रॉ मटेरियल है मेरा और वो रॉ मटेरियल ही खराब आया है मेरे पास, और उसको यूज किए बिना ही अगर मैं फेंक दूंगा, या उसको मैं यूज किए बिना ही अगर मैं भंगार वाले को या एज अ सेल ऑफ स्क्रैप कर दूंगा, दैट विल बी एडजस्टेड इन माई रॉ मटेरियल इटसेल्फ। गॉट इट एवरीबॉडी? सो सप्लायर है जिसने रॉ मटेरियल भेजा 1000 यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, उसमें से फैक्ट्री पहुंचते ही पता चला 50 यूनिट्स स्पॉइल्ड मिला है, 50 यूनिट्स स्पॉइल्ड मिला है, ठीक है। अब अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये जो 50 यूनिट्स जो स्पॉइल्ड मिला है ना, उसको मैं सेल कर दूंगा। तो ये जो सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप होता है ना, ठीक है, इसको जो प्राइस पे मैं सेल करूंगा ना, दिस इज डिडक्टेड इन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डिडक्टेड इन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ में आ गया एवरीवन? लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ, तुम लोग बाद में भी लिख सकते हो, तुम लोग के पास ही रहने वाला ये नोट्स, तो कहाँ जाने वाला। डन। सो कैन आई से, मेरा जो कॉस्ट शीट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है अब वो कंप्लीट हो गया है। अब कॉस्ट शीट मैं बना रहा हूं, आई नो उसमें पहला है डायरेक्ट कॉस्ट, आई नो उसमें जो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं वो है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। याद रखना, आज से खाली वर्ड डायरेक्ट मटेरियल नहीं लिखना है, आज से वर्ड लिखना है अपने को डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। गॉट इट एवरीबॉडी? डन। अब लिखते हैं, इधर आओ। अब यहां पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला लिखोगे, चलो तुम लोग मुझे बताओ, 2 मिनट सोच के। जो भी इधर से तुम लोगों को समझ में आया है उस हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मेट आएगा अब तुम लोग मुझे बताओगे। चलो, मैं जब तक तुम लोग नहीं बताओगे मैं नहीं लिख रहा। और तुम लोग अगर गूगल ड्राइव के स्टूडेंट हो या अलग से देख रहे हो, तो अपने पास एक बुक तो होगी, बुक में स्क्रिबल कर दो, एक बार लिख लो, एंड देन फिर अपन डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आएगा? वेरी गुड आयुषी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इज लेस क्लोजिंग स्टॉक प्लस कैरियज इनवर्ड लेस सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप। क्या बात है आयुषी, एक नंबर। वैष्णवी वैष्णवी, एकत्र लीना, एकत्र लीना, एक लाइन में लीना, एक ही लाइन में पूरा लिख के बता दो ना, अलग अलग स्प्लिट मत करो। नहीं, अभी कैरेज, अभी तूने वैष्णवी लिखा है कैरेज इनवर्ड सेल ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो क्या करेगी उसका, वो तो बता।
और तूने सीधा लिख दिया डायरेक्ट मेटल कंज्यूम। डायरेक्ट मेटल कंज्यूम कैसे आता है वो तो लिख के बता। सो अपन लोग इधर प्रॉपरली उसको सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ अब इधर देखो मैंने कोई दो चीज ऐड किए ना, ऐड लेस किए, ऐड कैरियज इनवर्ट्स लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। यस वेरी नाइस। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने क्या किया, जो भी ऐड है वो पहले एक साथ लिख दिया और जो लेस है वो एक साथ लिख दिया, है ना। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब मिला के क्या कहलाएगा बेटा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसी के साथ मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कवर क्लियर होता है। अब इसमें और ना मेरे को कुछ समझाने के लिए बाकी है ना कुछ लिखने के लिए बाकी है। प्लीज डन डन। सेकेंड, अब ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल आ गया। सेकेंड चीज है मेरा डायरेक्ट लेबर। ये सबसे सिंपल है भाई, ये सबसे सिंपल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ जाता है पता है क्या, वेजेस। तो जो भी आपका वेजेस है वो सब इधर आ जाएगा। अब यही वेजेस से रिलेटेड वो आपको प्रोविडेंट फंड का भी इंफॉर्मेशन देगा, वो भी इधर आ जाएगा। प्लस वो आपको कुछ एसिक इंश्योरेंस स्कीम का भी कुछ पॉइंट देगा। बस सब चीज जो भी है वो इधर ऐड हो जाएगी एंड दैट विल बी योर डायरेक्ट लेबर। एकदम सिंपल, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का ही नहीं है। ये किसको पे करते हैं अपन लोग, पेड टू वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री पेड टू वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग द प्रोडक्ट। डन। सी, सी में क्या आता है मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंस। करेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए क्या था, कुछ भी। अभी देखो वो तो जो एग्जांपल्स थे अपने वही आएंगे यार। रॉयल्टी रिलेटेड टू प्रोडक्शन अगर हुआ तो, कभी कभी कोई डिजाइनिंग कॉस्ट आ जाता है, कभी कभी कोई पावर रिलेटेड कॉस्ट आ जाता है। मतलब ये इंस्टीट्यूट यूजुअली ऐसे कुछ कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड करता है, ठीक है ना। अपना मशीन वाला था। एसिक का फुल फॉर्म ये मैं आगे आएगा तुम लोगों, बट इट इज इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योर एम्प्लॉय स्कीम इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। मतलब जो भी मेरा ये फैक्ट्री वर्कर काम कर रहा है ना उसका मैं इंश्योरेंस निकलवा के दूंगा, तो वो भी मेरा एक खर्चा है। तो इट इज लाइक अ इंश्योरेंस स्कीम। अब इधर आ जाओ, अब देखो बुक में आ जाओ अपने, आ जाओ अपने बुक में। ये देखो ये रहा, हाँ ऑप्टिमाइज्ड ओपन कर लो सब लोग, ऑप्टिमाइज्ड ओपन कर लो। ये देखो
एक होता है मेरा प्राइम कॉस्ट, रिप्रेजेंट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो अपने को पता ही है। सर वेट वेट, हम लोग को ओपन करने दो, चलो आ जाओ ओपन कर लो एक बार, फटाफट ओपन कर लो, पेज 6.4 है आई गेस, ये ओपन कर लो, फिर अपन लोग साथ में करते हैं। क्या बोल रही है? इतने पहले वाली शीट कर दो, क्या मतलब? अच्छा, कुछ लोगों का बुक इन प्रोसेस है, कोई बात नहीं, ये मैं तुम लोगों को चाहिए तो इसका जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा, इधर ही देख लो, इधर से सब समझ जाएगा, कोई इतना ग्रेट वो नहीं है, जो चीज अपनी हुई है ना वही मैं ये करवा रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। जिसको भी बुक नहीं मिला है टेंशन मत लेना, क्योंकि आप लोगों को बुक्स तो मिल ही जाएगा, बट इन जनरल इन जनरल जो अपना डिस्कशन हुआ है वही है ये सब, देखो तुम लोग समझेगा। सो भाई, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर यही अपन ने लिखा है। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिजिकल इनपुट यूज इन रिलेशन टू आउटपुट, ये अपने को पता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यही होता है। कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड, डायरेक्टली एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर, ये भी चीज अपने को बराबर से पता ही है, राइट? अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, जिसको अपन लोग ने बोला है कैरियेज इनवर्ड, जिसको अपन लोग ने नाम दिया है कैरियेज इनवर्ड, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस स्क्रैप ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट होना भी नहीं चाहिए, अपन लोग ने लिख लिया है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, वुड इज अ डायरेक्ट मटीरियल फॉर फर्नीचर, बराबर है। आइटम्स ऑफ एक्सपेंस ऑफ मटीरियल इंक्लूडेड इन डायरेक्ट मटीरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉस्ट ऑफ मटीरियल, फ्रेट इनवर्ड्स, इसको फ्रेट इनवर्ड भी बोल सकते हो और कैरियज इनवर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोक्योरमेंट, ओ माई गॉड वॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होता है सर? सिंपल है, जब सप्लायर रॉ मटीरियल भेज रहा है और मेरे पास रॉ मटेरियल आ रहा है, होगा क्या उसमें? मेरे को एक टेंशन है, क्या पता है क्या टेंशन है? सपोज कोई कांच की चीज लेते हैं, हाँ ये देखो, ये तुम लोग को दिख नहीं रही होगी बट ये कांच का शोपीस है, ये एक कांच का शोपीस है, ये क्या है? ये कांच का शोपीस है, ये जो कांच का शोपीस है ना वो मेरे फैक्ट्री में बनता है, बट उसके लिए पहले मेरे को कांच मंगवाना पड़ेगा। अब जब मैं ये कांच मंगवाता हूं, अब जब मैं ये कांच मंगवाता हूं, एट दैट पॉइंट इन टाइम जब मैं ये कांच मंगवाता हूं मेरे फैक्ट्री में, तो मेरे को एक टेंशन है, क्या टेंशन है? कि अगर मेरा ये कांच फूट गया तो आते आते सप्लायर बोलेगा मेरी गलती नहीं है, मैं बोलूंगा मेरी भी गलती नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो मैं क्या करता हूं पता है क्या, वो जब सप्लायर वहां से भेजता है ना, तो मैं इंश्योरेंस करवा देता हूं वो कांच का, वो कांच का मैं क्या करवा देता हूँ? इंश्योरेंस करवा देता हूँ, ताकि अगर कुछ हो तो मेरा इंश्योरेंस में कवर हो जाए। तो वो जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है ना, वो मेरे रॉ मटेरियल के लिए, वो भी अगर किया तो इधर ही ऐड हो जाएगा, समझे? अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है, दिया है ट्रेड डिस्काउंट, लेस हो जाएगा। अगर ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेल, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी ऐड हो जाएगा। सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? हमको तो पता ही नहीं, हमने तो इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी पढ़ा ही नहीं है। आओ मैं बताता हूँ क्या होता है ये, तो चलो ना मैं इधर ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के इसमें ही लिखता हूं, क्या? इंश्योरेंस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल एड, बराबर, एड टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डीएमसी बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर क्या बोला है? ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया, ट्रेड डिस्काउंट ऑन रॉ मटेरियल अगर मिला, तो क्या करोगे? लेस फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर थर्ड, थर्ड क्या बोला है? अगर कुछ
ड्यूटीज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, आ जाओ, इसका एक प्रॉपर अपन लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। इनपुट टैक्स, इसमें दो चीज होती है, समझो आप रजिस्टर्ड डीलर हो तो आप क्या करोगे पता है, समझो आपने ₹1,00,000 का रॉ मटेरियल ऑर्डर किया, उसके ऊपर तुम लोग ने कभी कभी ये बिल देखा होगा, वो लोग जीएसटी ऐड करते हैं, तो ये हो गया 1,18,000। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हो ना तो ये 1,18,000 का आपका कॉस्ट है, बट इसमें से जो 18,000 है ना, गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देगी, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हो तो आपको जीएसटी का इनपुट मिल जाएगा, आप यहां पे माइनस 18,000 करके नेट आपका जो कॉस्ट आ रहा है ₹1,00,000 वो लिख सकते हो। अगर वो अनरजिस्टर्ड डीलर है तो क्या होगा, तो आएगा 1,00,000, इसके ऊपर 18,000, और ये हो गया 1,18,000। अब अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर हो तो गवर्नमेंट बोलता है हम आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे, आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,18,000। तो सर रजिस्टर्ड डीलर है कि नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं, ये कौन बताएगा, ये आपको और कोई नहीं क्वेश्चन खुद बताएगा, ये आपको कोई नहीं क्वेश्चन खुद बताएगा। समझ में आ रहा है आपको एवरीबॉडी? बोलो टेल प्लीज कॉपी। चलो डन। अच्छा समझ में आया तुम लोगों को गाइस, लिख के तो हो गया, समझ में भी आना चाहिए ना। अच्छा आयुषी का एक अच्छा क्वेश्चन है, सर व्हाई आर दे नॉट शोन इन द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, तू लिख लेना इसमें भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता नहीं है, बट अगर तेरे को लेना है तो तू ले सकती है। तो इधर तेरे को चाहिए तो तू एड इंश्योरेंस भी कर सकती है, लेस ट्रेड डिस्काउंट कर सकती है, एड मतलब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला भी एडजस्टमेंट दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यूजुअली वो लोग इतना पूछते नहीं है, इसके लिए मैंने उसको ये टिपिकल फॉर्मेट ही रखा है। बट अगर अभी कभी आया तो अपने को पता है कि उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, पॉइंट वो है। समझ में आ गया? ट्रेड एंड ड्यूटी किधर गया? हाँ, सो ट्रेड डिस्काउंट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस का क्या होगा, समझ में आ गया अपने को? बिल्कुल समझ में आ गया सर। सो एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मटीरियल में टिम्बर इन फर्नीचर, क्लॉथ इन गारमेंट, प्लास्टिक इन पेन, पेपर इन बुक, पता ही है। नेक्स्ट है मेरा डायरेक्ट लेबर, लेबर दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक जॉब और कॉन्ट्रैक्ट, वो अपने को पता ही है, वेजेस सैलरी पता है। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी इंसेंटिव दिया आपने उसको, तो आपने उसको बोला कि भाई देख एक घंटे में एक प्रोडक्ट का तेरे को मैं दूंगा ₹100, अगर तूने दिन में 500 यूनिट बनाया तो तेरे को 10% बोनस, 10% तेरे को इंसेंटिव, तो वो भी इधर ही आ जाएगा। अगर कुछ ओवर टाइम किया इधर ही आ जाएगा, बोनस दिया इधर ही आ जाएगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड, चलो ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। अदर बेनिफिट्स, ये सब तो तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई टैक्स का लेक्चर चल रहा है। लीव ट्रेवल कंसेशन,
प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मेडिकल लीव विद पे, सब्सिडाइज्ड फूड, ये सारी जो चीजें है ना गाइस, ये सब भी अगर हुआ तो वो डायरेक्ट लेबर में ऐड हो जाएगा। चलो इधर ही मैं ऐड करवा देता हूं तुम लोगों को क्या क्या। सो देखो, अगर वेजेस है वो तो पता ही है, बट उसी से कनेक्टेड कुछ अपने को इंसेंटिव मिल गया या कुछ अलावेंस मिल गया अपने को, दे दिया कि भाई चलो देखो क्या होता है। अलावेंस मतलब से आप फैक्ट्री में एक वर्कर है, उस वर्कर को अपन लोग ने रहने का भी जगह दे दिया, अब वो मेरा डायरेक्ट लेबरर है, और उसी को मैंने अगर रहने का जगह दिया तो वो जो मैं रहने के लिए जगह के लिए खर्चा कर रहा हूं ना, दैट विल बी अ अलावेंस। 100 यूनिट बनाया उस, तो अगर 1 घंटे में 100 यूनिट बनाया तो तेरे को 15% एक्स्ट्रा मिलेगा इंसेंटिव, तो वो भी मेरा इधर इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सर इनपुट टैक्स अनरजिस्टर्ड वाला क्या है वो नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट करो ना। श्योर, देख इधर, अगर इनपुट टैक्स तो क्या होता है, सपोज तूने कोई रॉ मटेरियल, सपोज तू तेरा और मेरा एग्जांपल लेते हैं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूं, मैं जब भी कोई चीज खरीदता हूँ ना, मैं जब कोई स्टेशनरी दुकान में जाता हूँ और मैंने कोई चीज खरीदी और उसके ऊपर वो मेरे को जीएसटी इनवॉइस में ऐड करके देता है, तो 1 लाख प्लस GST 18,000, तो टोटल 1,18,000 हो जाता है, ठीक है। उसमें क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा, जितना भी जीएसटी मैंने पे किया मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं। बट तू कौन है, क्या तूने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर किया है? नहीं, तो तू क्या है? अनरजिस्टर्ड डीलर। तो तू अगर कोई सामान खरीदने को गई, 1 लाख रुपया हुआ, उस पे 18,000 इनवॉइस में तेरे ऐड होगा, तेरे को 1,18,000 देना पड़ेगा, बट तेरे को उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, तेरे लिए टोटल कॉस्ट 1,18,000 ही रहेगा। बट मेरे लिए 1,18,000 मेरे को देना है, उसमें से 18,000 का मेरे को क्रेडिट टैक्स, क्रेडिट टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट दे देगा। समझ में आया आयुषी? इनपुट टैक्स क्रेडिट की जगह बेनिफिट भी बोल सकती है तो। सो डायरेक्ट वेजेस में मेरा आ गया इंसेंटिव, मेरा आ गया अलाउंस, फिर अगर कोई इसी से कनेक्टेड बोनस हुआ तो वो भी आ जाएगा। अब सुनो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड, सुनना भी ध्यान से। सपोज कोई लेबरर है, ठीक है, इस लेबरर को मेरे को देना है 1,000 रुपए, इनकम टैक्स सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है जब ये 1,000 रुपए दोगे ना, इसके साथ आपको 10% ऑफ वेजेस जो आपने दिया है विच इज ₹100, ये आपको इसके एम्प्लॉयर इसके प्रोविडेंट फंड में जमा करना पड़ेगा कंपलसरी। बट सर मैं क्यों करूं? नहीं, ये कंपलसरी है। क्या होगा पता है क्या, जब ये रिटायर होगा ना तो उसको ये पैसा मिलेगा। तो सर मैं क्यों करूं उतना, मैं क्यों ये 1,000 रुपए के ऊपर 10% प्रोविडेंट फंड दूं? बिकॉज यू आर द बिजनेस, यू आर द ओनर ऑफ दिस लेवल, तो इसके लिए आपको इसके ऊपर पे करना पड़ेगा वेजेस के ऊपर 10%। समझ में आ रहा है आपको? सो 100 रुपीज का प्रोविडेंट फंड है आपका, ये आपने जो दिया है ना, ये ऐड हो जाएगा इधर के वेजेस वाले कॉस्ट में। सो ये है मेरा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। सो जो मेरा लेबरर को मैंने वेजेस पे किया है उसके ऊपर 10% मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कंपल्सरीली आपको इसके नाम पे डिपॉजिट करना ही है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। तो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं इसके बिहाफ पे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, मेरे लिए तो खर्चा हुआ, ऐड कर देंगे अपन लोग इधर ये वेजेस में 100 रुपीज भी। समझे? वैसा है। फिर अदर बेनिफिट्स, और भी अगर उसको कुछ भी बेनिफिट दिया अपन लोग ने तो जो भी वो बेनिफिट है वो सब इधर मेरा ऐड हो जाएगा। ए बच्चा समझ में आया क्या तुम लोगों को क्या होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड? कंपल्सरी, यस सर, करना ही है, कुछ आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। एंड यहाँ पे देखो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कौन कौन आ जाता है वो अपन लोग ने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ले लिया है, कारपेंटर, वीवर, बेकर, लेबर एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ दैट। एंड लास्ट है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, यस ये लास्ट है, फिर डन हो जाएगा अपना आज का सेशन। एक्सपेंस अदर देन मटीरियल कॉस्ट और एम्प्लॉई इनकर टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, टेक्निकल नो हाउ। सो रॉयल्टी पेड पेबल फॉर प्रोडक्शन, मारुति सुजुकी इधर चाहिए तो एग्जाम्पल लिख लो, मारुति ने सुजुकी को जब वो दिया था ना
वो उसने कॉस्ट शीट में डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाया। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी सच एज पावर फ्यूल, ये देखो इधर मैंने दिखाया भी है तुम लोगों को, डायरेक्ट एक्सपेंस में पावर फ्यूल रिलेटेड कॉस्ट भी आ जाता है। ये वो लोग ने एक ऐसे ही एक लिस्ट दिया है, उसको फॉलो करना है। हायर चार्जेस फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट, अगर मैंने कोई मशीन हायर किया, खरीदा नहीं हायर किया, तो वो जो हायर चार्जेस है वो डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है हायर किया मैंने, लेबर भी नहीं है, तो वो हायर चार्जेस क्या जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो हायर चार्जेस भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, हायर चार्जेस फॉर मशीन, मशीन को हायर करने के लिए अगर कोई चार्ज दिया तो वो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट, फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ, ये मारुति सुजुकी वाले सेम। सो रॉयल्टी बोलो या इसको आप लोग फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस भी बोल सकते हो रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स, पेटेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये भी सी। अब स्पेसिफिक डिजाइन आपने कुछ करवाया, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आपने कुछ करवाया, तो वो सब इधर आ जाएगा। सो अगर कोई स्पेसिफिक डिजाइनिंग कॉस्ट, देखो इधर मैंने लिखा है, तो इधर अपन लोग लिख लेते हैं स्पेसिफिक डिजाइनिंग स्लैश सॉफ्टवेयर कॉस्ट, स्पेसिफिक डिजाइनिंग स्लैश सॉफ्टवेयर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट, डन। सो ये भी अपना हो गया, यही आता है मोटा मोटा, और इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है इसमें। वो कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स या जो भी है वो एक बार लिख लो क्या है, कुछ नहीं है, ये लिखा जाएगा अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, ये भी एक पॉइंट लिख लेता हूँ और समझा देता हूँ क्या है amortized cost of molds। कई बार अभी से फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये ढक्कन बनाना है, क्यों ये ढक्कन एग्जैक्ट साइज का होना चाहिए तो ये इसमें फिट होगा, अदरवाइज फिट नहीं होगा, तो इसके लिए एक मोल्ड बनाते हैं। अब ये मोल्ड बनाने का कॉस्ट होगा 1 लाख रुपया, तो वो 1 लाख एक साथ कॉस्ट में ऐड नहीं कर देंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आते जाएगा, तो एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा मोल्ड का कॉस्ट यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करने का। जैसे डेप्रिसिएशन होता है ना मशीन का, वैसे मोल्ड का डेप्रिसिएशन वर्ड की जगह पे अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है। सो 1 लाख का मोल्ड है, ये 1 लाख का जो मोल्ड है वो 5 साल तक यूज आएगा, तो वो जो मोल्ड का कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते जा रहा है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा एज अ कॉस्ट। समझ में आ गया गाइज एवरीबॉडी? तो ये अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड होता है जो कभी आने नहीं वाला है यूज में, बट मेरा तो ऑथर्ड बुक है तो मुझे तो सब चीज इंक्लूड करके लिखना पड़ता है, तो मैंने कर लिया। और कुछ एक्साइज ड्यूटी ऑन आउटपुट, अभी देखो एक्साइज तो निकल ही गया तो ये तो पॉइंट इरेलेवेंट हो गया। रॉयल्टी कोई बेस्ड ऑन आउटपुट, जॉब प्रोसेसिंग चार्जेस हुआ, कोई स्पेशल मोल्ड का कॉस्ट अमोर्टाइज हो रहा है तो वो आ जाएगा, डिजाइनिंग हायरिंग चार्जेस ऑफ मशीन, तो ये सारी चीजें जो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ सकती है वो सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। एंड इसी के साथ मेरा डायरेक्ट कॉस्ट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आने दो डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड, कभी तुम लोगों को तकलीफ नहीं होगा, बिकॉज वी हैव कवर्ड इट एग्जॉस्टिवली। क्या आप लोगों को डायरेक्ट कॉस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया गाइस? एनी डाउट्स एनीबॉडी? बोलो बोलो, चल चल। डन। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे रिहा आज के सेशन के लिए। टाइम फॉर मी टू से आस्ता ला विस्ता, ये नोट्स आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएंगे एंड लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, जहां पे अपन ये जो अब
इनडायरेक्ट कॉस्ट वाला पार्ट है कॉस्ट शीट का, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सो होपफुली कल तक ये कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद सम्स मेजरली। ठीक है, चलो सी यू ऑल, टेक केयर, बाय। समझ में आया ना सब, सबको बराबर है? अच्छा मुझे एक बार बता दो, पेस बराबर चल रहा है? मतलब स्पीड फास्ट करूं, स्लो करूं, या परफेक्ट जा रहा है आपके हिसाब से, बता दो। ओके सी यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।